जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। आज इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एस इक्वल्स टू 1 फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हमें कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो एक्स की तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। नाउ क्वेश्चन देख के क्या क्या अप्रोचेज मेरे सामने आ सकती हैं, क्या क्या मेरे दिमाग में चल सकता है, एक बार वो सोचते हैं। भाई देखो, साइन इनवर्स 1/5 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि 1/5 की मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। साइन में नहीं पता कि कब 1/5 किस थीटा के लिए 1/5 साइन में आता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये तो मुझे फाइंड करना है। देन बचा ये वाला साइन। अब इस ब्रैकेट को अगर मुझे ओपन करना है तो पहले मुझे इस साइन को रास्ते लगाना होगा, ठीक है। तो मैं साइन को क्या करूंगा, इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, साइन इनवर्स अगर मैं यहां से करूं 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब साइन उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। भाई सबसे पहले काम तो मैं यही कर सकता हूं, उसके अलावा तो अभी कुछ नहीं कर सकता। नाउ अगर मैं देखूं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन इनवर्स की 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, आप सब ये जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पाई बाय 2 लिख लेता हूं, ठीक है। नाउ इस साइन इनवर्स 1/5 को भी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या करूंगा, उस साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो जहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन इनवर्स 1/5। यहां पे क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मेरे को इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जब मैंने आइडेंटिटी वाली वीडियो ली थी, कि कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय 2 होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, थीटा, मतलब जो आर्गुमेंट है वो सेम होना चाहिए, थीटा नहीं बोलूंगा, आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या हो जाता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, कि पाई बाय 2 में से अगर मैं माइनस कर दूं साइन इनवर्स समथिंग, देन मेरे को कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से मैं ये चीज देखूं तो ये चीज इसको रिजेंबल कर रही है, तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं जी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 1/5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अब आप तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग, क्या करूंगा, कंपेयरिंग, ठीक है। कोई बच्चे क्या कर देते हैं, यहां से ऐसे ऐसे कर देंगे, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स से काट देंगे, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें क्या आर्गुमेंट कंपेयर किए जाते हैं, ऐसे काटा नहीं जाता। या फिर आप एक ये काम भी कर सकते हो कि एक्स को इधर ले जाओ और कॉस कॉस इनवर्स 1/5 कर दो, ठीक है। तो ये कॉस कॉस इनवर्स को डिसॉल्व कर देगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/5। तो कंपेयरिंग से भी कर सकते हो या फिर कॉस इनवर्स को उधर जाकर भेज सकते हो, लेकिन ऐसे आप काट नहीं सकते, ठीक है। इसको ऐसे कट के मत दिखा देना वरना एग्जामिनर आपका गलत कर सकता है। एक चीज और बता रहा हूं, हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 1/5 है, ये जो इसकी डोमेन वैल्यू होती है कॉस इनवर्स की, उसके अंडर है नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि जो डोमेन वैल्यू होती है कॉस इनवर्स में वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अगर ये इससे बाहर जाती देन हम इसको नहीं लिख सकते थे, ठीक है, पर वो आपको देगा ही नहीं ऐसे, ओके। तो वो वही वैल्यू देगा जो लीगल हो, ओके जी। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/(x-2) प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/(x+2) इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये x की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भैया टेन इनवर्स समथिंग एंड टेन इनवर्स समथिंग है, ठीक है। तो मेरे को एक आइडेंटिटी पता है कौन सी, कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1-ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी मेरे को पता है, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूं तो बात बन सकती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे टेन इनवर्स है इसको उधर भेज दो,
उधर भेज दो पाई बाई फोर, तो 10 पाई बाई फोर बन जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपकी कल भी क्लास में बताया था कि अगर आपको 10 इनवर्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस साइड मतलब इक्वल टू के नेक्स्ट साइड भेजना है, तो वो आपको ध्यान रखना है वो होल के साथ क्या हो, आर्गुमेंट में हो, ठीक है। मतलब उसका जो आर्गुमेंट है वो टोटल होना चाहिए, बट यहाँ पे दो 10 इनवर्स है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो होल में नहीं है। तो मेरे को पहले इसको इन दोनों को एक 10 इनवर्स बनाना होगा, मतलब कि आइडेंटिटी लगा के मुझे पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना होगा, जब मैं वो काम कर सकता। तो वो काम ये कौन सी आइडेंटिटी करेगी, ये वाली, दो 10 इनवर्स को मैंने एक में ही क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। नाउ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स, डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 10 इनवर्स, ए की वैल्यू क्या है जी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। ये किसके बराबर होगा आपका, पाई बाय फोर के, क्योंकि यहाँ पे आपको पाई बाय फोर के बराबर दे रखा है। ये होल किस में जाएगा आपका, इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब तो बेसिक एलजेब्रिक कैलकुलेशन है, क्या करना है, एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम में आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो जी, सबसे पहले मैं इसका और इसका एलसीएम लेता हूँ, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देन ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि ये चीज स्टेप रिपीट कराना है, तो मैं आपको नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको बता दिया करूँगा कि हाँ भाई ये ऐसे होता है। शर्माना कुछ नहीं है कि भाई मेरे को ये भी नहीं आता, अगर मैं सबके सामने बोलूँगा तो बेइज्जती है। ध्यान रखना, अ फूल फॉर अ मिनट इज़ अ फूल फॉर लाइफ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अब फूल बन जाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए फूल रह जाओगे। एक्स माइनस टू प्लस इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और यहाँ पे ये एक्स प्लस वन, ब्रैकेट से थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट यहाँ पे बनेगा, ये मेरा ब्रैकेट मैंने गलत बना दिया, ठीक है। ये वाला एलसीएम कैसे लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑलरेडी पहले से है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी यहाँ पे एलसीएम वन के साथ एलसीएम ले लिया, तो वन में पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि इसके नीचे से ये है ही पहले से, ठीक है। ये पूरा इससे कट जाएगा एज इट इज। नाउ नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स इक्वल टू पाई बाय फोर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ एक्स, अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस टू प्लस आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स एंड माइनस टू, ठीक है। माइनस टू एक्स से प्लस टू एक्स गया, एक्स से एक्स गया, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक्स माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैसे आया, कुछ नहीं करा, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन मैंने करी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, ये 10 इनवर्स है, ये 10 इनवर्स है, ये इस साइड लाके क्या बन जाएगा, आप खुद बताओ, 10 बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होते हैं जी, टू एक्स स्क्वायर होते हैं आपके, ठीक है। एंड माइनस टू माइनस माइनस का फोर हो जाएगा आपका, ठीक है जी, अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा, माइनस का फोर प्लस का वन मतलब माइनस का थ्री इक्वल्स टू पाई 10 पाई बाय फोर, ठीक है। इसको आगे यहीं भी सॉल्व करूंगा, 10 पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है आप मुझे खुद बताओ, तो इसको मैं ज़्यादा ये लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय फोर क्या होता है जी आपका, आपका वन होता है, ठीक है, 10 45 आपका वन होता है, तो माइनस थ्री इंटू वन, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, देन टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर इक्वल्स टू माइनस का थ्री, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री प्लस का फोर जो आपकी क्या दे देगा, वन दे देगा, ठीक है जी। नाउ टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन टू, ठीक है जी, क्या जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट वन अपॉन टू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की भी वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, इससे आगे वाले जो सारे क्वेश्चन होंगे उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो सब जो भी कोई भी बच्चा होगा पहली बार देखते ही, अगर उससे कॉन्सेप्ट वीक हैं या फिर वो पढ़ते टाइम ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो भी वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, वो लिखेगा भाई साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन को काट देगा और आंसर इसका 2π/3 मार्क कर देगा. ठीक है, बट 2π/3 क्या है, गलत है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि साइन इनवर्स में जो आंसर आता है, जो एंगल आता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए. ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो बिलोंग करता है आपका -π/2 से π/2. तो 2π/3 क्या है, इस रेंज में नहीं आ रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को मैनिपुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे लेके चलूं तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 2π/3 को लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई थ्री. ठीक है, इतना काम मैं यहां पे कर सकता हूं. अब मुझे बताओ ये पाई माइनस पाई बाई थ्री कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब 2π/3 आप क्या लोगे, क्यों लिख सकते हो जी, आप कर लो 3π में से 1π गया, अगर एलसीएम लोगे तो आपका 2π/3 ही आएगा. ठीक है, नाउ अब मुझे ये बताओ साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई थ्री. ठीक है जी, ये क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, 11th क्लास के बेसिक्स क्या लगा रहा हूं कि कैसे हम क्वाड्रेंट चेंज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. नाउ साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है, साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू मुझे पता है जो आपकी होती है √3/2. ठीक है, क्या होती है जी, √3/2. नाउ अब आप कहेंगे कि √3/2 क्यों डालू. ठीक है, तो साइन वर्स √3/2 अगर डालोगे तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई थ्री आएगी, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो साइन इंटू साइन वर्स क्या आएगा आपका, डायरेक्ट पाई बाय थ्री. ठीक है, दोनों ही अप्रोच सही है, ये एकदम डायरेक्ट है. क्या साइन वर्स में जब भी साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय थ्री आपका आ जाएगा, और ये जो पाई बाय थ्री है ये आप देखोगे तो इस रेंज जो आपकी ये रेंज है इसमें ही बिलोंग करता है, इसलिए ये वैलिड आंसर है. अच्छा एक चीज हो जाएगा जी, अगर यहाँ पे कॉस हो जाता, कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री होता, ठीक है, बाहर भी अगर कॉस इनवर्स होता देन मैं ध्यान रखता कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो मैं उसे माइनस का कॉस पाई बाय थ्री लिखता. ठीक है, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये क्लास ये चीज हमने 11th क्लास में पढ़ ली थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, टेन इनवर्स टेन 3π/4. तो फिर से वही चीज बताऊंगा जो मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो क्या लिख देंगे, इसको 10 को 10 इनवर्स से काट कर सीधे डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 3π/4. ठीक है, जो कि गलत है. क्यों? क्योंकि 10 इनवर्स एक्स भी किसको बिलोंग करता है, -π/2 से π/2. तो आपका 3π/4 है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा है. देन क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, टेन इनवर्स. ठीक है, टेन को क्या लिख सकता हूँ, 3π/4 है तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय फोर. ओके जी, ऐसे में लेना 3π/4 आएगा. कौन से क्वाड्रेंट में जी, पाई माइनस पाई बाय फोर, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में. किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है नेगेटिव होता है, इसलिए मैं नेगेटिव 10π/4 आपका लिख दूंगा. इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, 10π/4 क्या होता है, 10π-θ क्या होता है, 10θ. अब ये चेक करना होता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होता, जब पाई में मैं कुछ ऐड कर देता, मतलब पाई प्लस पाई बाई फोर करता, बट क्योंकि यहाँ पे 3π/4 है तो मेरे को ऑब्वियसली पाई माइनस पाई बाई फोर ही करना होगा. नाउ आपको पता है, आप कह रहे हो कि नेगेटिव है जी, नेगेटिव क्या करना है, अभी तो मैं 10 इनवर्स को डायरेक्ट नहीं लिख सकता. ठीक है जी, बिल्कुल सही लिख सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, 10 इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हो माइनस का 10 इनवर्स एक्स, या आइडेंटिटी पढ़ाते हुए टाइम मैंने आपको बताया था. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का 10 इनवर्स 10π/4. अब 10 इनवर्स
जो है वो 10 को डिसॉल्व कर सकता है, क्यों? उनके बीच में कोई दीवार नहीं है, सिर्फ एक ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट को तो वो तोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का पाई बाय 4। क्या ये रेंज को बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 के बीच में आता है आपका माइनस पाई बाय 4। तो ये आंसर क्या है आपका, लीगल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड यूज करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 sin inverse 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2, 3/2 मतलब 3/2, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी। भाई क्वेश्चन देखते ही मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां पे अगर 10 है तो अंदर भी मुझे 10 इनवर्स बनाना पड़ेगा, जब ही 10 10 इनवर्स को डिसॉल्व कर सकता है। अगर अंदर कुछ और है तो मुझे उसको मैनिपुलेट करना होगा। ये बात देखते ही मेरे समझ में स्ट्राइक करनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि आपने काफी हद तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके अंदर बनाना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको 10 में चेंज करना होगा। तो भाई मुझे एक चीज पता है, इसको तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, मुझे पता है कि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 10 inverse 1/x के। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 inverse 2/3, ठीक है। कुछ नहीं करा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x, 3/2 का क्या होगा, 2/3, ठीक है। तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ 10 inverse की फॉर्म में, बट इसको कैसे लिखूं। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, सॉरी सेकंड क्लास में, कि अगर साइन थ्री इनवर्स 3/5 है, इसका मतलब क्या है भाई, साइन इनवर्स 3/5 है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था जी, ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका बिल्कुल बेसिक जो है स्टार्टिंग से मैंने प्रूफ आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो आप वो विजिट कर सकते हैं अगर आपको इस समझ में नहीं आता है तो। पर अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊं, कोई मैं आपका ट्राइंगल बना दूं और उसके अंदर इसको थीटा मान लूं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, 3, और हाइपोटेनियस 5। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं समझ जाऊंगा कि इसका जो बेस है वो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ यहां से मैं अगर निकालना चाहूं तो 10 थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालू, किसकी, 10 थीटा की, तो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकले तो वो 10 inverse 3/4 हो सकती है। तो sin inverse 3/5 जो है वो 10 inverse 3/4 के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी यहां से मैं थीटा के लिए कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, सबके लिए वो इक्वल ही होगा, ठीक है जी। तो 10 inverse 3/5, 10 inverse 3/4, थीटा बराबर क्या आ गया, 10 inverse 3/4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10। अब sin inverse 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 inverse 3/4 प्लस cot inverse 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 inverse 2/3। अब आपको एक आइडेंटिटी तो मैंने सिखाई ही थी, क्या थी जी, वो आपकी आइडेंटिटी थी 10 inverse A + 10 inverse B इज इक्वल टू 10 inverse A + B 1/1 - AB। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 10, इसको लिख सकता हूँ 10 inverse। क्या अभी नहीं खोल सकता, जी नहीं, अभी बीच में प्लस साइन है और 2 10 है, मुझे एक आइडेंटिटी बनानी होगी, एक 10 inverse अंदर लेके आना होगा, जब भी मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं। अभी डायरेक्ट बच्ची ये मत कर देना बेटा, 10 की इसके साथ कर दी तो 3/4 लिख दिया, देन इसके साथ कर दी तो +2/3, ये आपका आंसर हो गया जी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आइडेंटिटी लगाओ, 10 inverse 10 inverse, इसको क्या मान लेंगे, लेट इसको ये ए है ये बी है, तो 10 inverse A + B मतलब 3/4 + 2/3 अपॉन 1 - 3/AB, तो मतलब 3/4 × 2/3, ठीक है। इतना काम मैं कर लूंगा तो आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बन जा 2/2, तो 1/2 बच गया आपका। 10 को मैं आगे सॉल्व कर लिख लूंगा तो 10 inverse, अगर मैं इसको आगे एल से मिलूँ तो 4 3 जा आपका 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 1/2 बचा 2 - 1 1/2। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 10 × 10 inverse, ठीक है। 9 8 कितने होते हैं भाई, 9 18 17, 17/12, तो 17/6
आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 17/6। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू निकालो। तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, डायरेक्ट 7π/6 लिखकर आ जाएंगे, जिन्होंने क्लास अच्छे से नहीं ली, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा बिलोंग किसके करता है, जीरो से पाई के बीच में। तो 7π/6 जो है, जो वो आपका क्या है, वो आपका पाई से ग्रेटर देन पाई है, पाई से ज्यादा है, तो मतलब वो इस रेंज के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को मैनिपुलेट करना होगा। तो मैं आगे क्या करूंगा, चेंज करूंगा। नाउ कॉस 7π/6 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाय सिक्स। क्या लिख सकता हूं जी, पाई प्लस पाई बाय सिक्स। नेक्स्ट इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स। अब कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बस मेरे को ये चेक क्या करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपको क्वाड्रेंट चेक करना आता है भाई, ये क्या होता है 0, ये पाई बाई टू, ये क्या आपका, ये आपका, तो मेरे को पता है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि यहाँ देखो पाई हो गया। अब पाई में कुछ ऐड करोगे तो वो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही तो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव कॉस पाई बाय सिक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या है जी, कॉस पाई बाय सिक्स की वैल्यू होती है √3/2। कुछ गलत तो नहीं लिखा, बता देना। ठीक है, तो माइनस का √3/2, ठीक है, ये मैं इसको लिख सकता हूं। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई कॉस इनवर्स नेगेटिव √3/2 को क्या लिखूं। तो आपको आइडेंटिटी पता होगी कौन सी, कॉस इनवर्स अगर नेगेटिव एक्स है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मैं उसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगा। आप कुछ बच्चे यहाँ कह रहे होंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाय सिक्स, तो कॉस इनवर्स से कॉस डिजोल्व हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो आपका पाई बाय सिक्स आ जाएगा। जी नहीं, बीच में नेगेटिव भी है, इसको मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैं इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। ओके जी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इस चीज को मैं आगे लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो √3/2 की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता ही है, ऊपर ही पाई बाय सिक्स होती है, तो कॉस इनवर्स √3/2 को मैं पाई बाय सिक्स लिखूंगा, तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6π - π, तो आपका हो जाएगा 5π/6। और आप देखोगे कि 5π/6 जो है आपका 0 to π के बीच में आ रहा है, मतलब कि रेंज को बिलोंग कर रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sin π/3। नाउ नहीं, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ओके जी, तो ये काम मेरे को करना पड़ेगा, तो पाई बाई थ्री तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन इनवर्स ये आपका क्या बन जाएगा, 1/2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ sin π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होती है, हाफ कब होता है भाई साइन इनवर्स, साइन हाफ कब होता है, कौन से एंगल पे। तो मैं जानता हूं कि पाई बाय सिक्स पर हाफ होता है। ठीक है जी, नाउ यह क्या था, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स कितना होगा, पाई बाय टू हुआ। बोलो कैसे, पाई बाय थ्री क्या होता है आपका 60 डिग्री, अगर मैं उसमें डिग्री में करूं, पाई बाय सिक्स क्या होता है 30, तो 60 + 30 90, 90 क्या बोलते हैं, पाई बाय टू बोलते हैं। तो साइन पाई बाय टू क्या होता है जी, आपका 1 होता है, तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले टेन इनवर्स √3 का मैं जानता हूँ, √3 कब होता है, ये 1060 पे होता है, मतलब पाई बाय थ्री पे होता है, तो मैं इसको पाई बाय थ्री लिख सकता हूँ, जो कि हमारे रेंज का पार्ट भी है। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 को लिख सकते हैं। तो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाते टाइम बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना नेगेटिव हो तो इस पर ध्यान दिया करो, ध्यान, अगर साइन
साइन कॉस और टेन अगर आपका साथ होगा, ठीक है, सॉरी साइन कॉस नहीं कॉसेक, साइन कॉसेक और टेन होगा इनवर्स अगर होगा, और उसके अंदर अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, बट अगर कॉट होगा कॉस होगा या फिर सेक होगा देन मेरे को नेगेटिव बाहर नहीं लिख सकता मैं डायरेक्ट, मेरे को क्या करना पड़ेगा पाई में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप बस ध्यान रखनी है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, नेगेटिव को मैं लिख सकता हूँ इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ। नाउ पाई बाय थ्री माइनस पाई हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री क्या होता है भाई, रूट थ्री का होता है उसके अंदर टेन के अंदर कॉट के अंदर, तो वो आपको होता है पाई बाय सिक्स पे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पाई बाय थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स आपका क्या होता है 90, पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू में से पाई घटाओगे तो आपको क्या बचेगा माइनस का पाई बाय टू, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास से क्या हो लेंगे मिसलिनियस लेंगे, तो मैं आपसे एक आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करना, थोड़ा सा बिल्डअप करना अपने माइंड को, सो दैट हम उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से निपटा लें, ठीक है। जय हिंद, अगर चैनल पे नए हो तो ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, बस कोई साथ देने वाला चाहिए, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है रेगुलर फॉलो करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है, आप मैथ्स के अंदर राजा बन जाओगे, ओके जी, सो जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, घर पे रहो, सेफ रहो।